तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज की हमारी वीडियो जो है एक ऐसे टॉपिक के बारे में है जिसके आजकल यूट्यूब पे बहुत ज्यादा एड्स देखने को मिल रही है। तो मैं बात कर रहा हूँ इस सीरम के बारे में, लोरियल के सीरम के बारे में जिसकी फोटो आप साइट में देख रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे हाइलुरोनिक एसिड के बारे में, जो इसमें प्रेजेंट होता है हाइलुरोनिक एसिड, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अब हर मंडे और थर्सडे को वीडियो आएंगी, और जिस भी टॉपिक पे आप अगली वीडियो चाहते हैं कमेंट में उस टॉपिक को मेंशन करें। मैं आप कोशिश करूंगा कि आपके उस कमेंट पे है जो है टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो हाइलुरोनिक एसिड जो है एक नेचुरल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी खुद भी प्रोड्यूस करती है, और ये जो है हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स पे पाया जाता है, जैसे आईज, जॉइंट्स और मतलब स्किन में। और तो अब हम सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं कि इसका हमारी बॉडी में क्या काम होता है। ये इसका काम होता है स्किन को मॉइस्चराइज करना, जो हमारी बॉडी में टिश्यू डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करना, और थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमारे बॉडी के अलग अलग नी जॉइंट्स हो गए या बॉडी के शोल्डर जॉइंट हो गया या अलग अलग जो जॉइंट्स होते हैं उनमें ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करना। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा एसिड है वो काम कैसे करता है। जो ये हमारा एसिड होता है ये वाटर को होल्ड करके रखता है, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली यही इसका काम है, वाटर को होल्ड करके रखना। जैसे वाटर को होल्ड करके रखता है तो हमारी स्किन जो है मॉइस्ट रहती है, उसमें नमी जो है बनी रहती है। इसी तरह है ये जोड़ों में या घुटनों के दर्द में काम करता है। तो अब हम बात करते हैं इसके यूजेज के बारे में। इसका यूजेज जो है आईज की सर्जरी होती है उसमें इसका यूज होता है, घुटनों में कई बार ज्यादा पेन हो जाता है तो सर्जरी करनी पड़ती है तो उस केस में इसके इंजेक्शन लगते हैं घुटनों में, जो हमारे फेस पे रिंकल्स या लाइनिंग हो जाती है उस केस में तो इसका बेसिकली यूज है इस सीरम का, मैंने आपको बताया। दांतों की कई बार सर्जरी वगैरह होती है, दांत निकलवाते हैं किसी टाइप की सर्जरी, मुंह में छाले हो जाते हैं उस केस में इसका यूज होता है। इसको हम दो टाइप से कंज्यूम कर सकते हैं बाहर से, एक नेचुरल फ्रूट्स वेजिटेबल के थ्रू और दूसरा है हमारा जो है सप्लीमेंट्स के थ्रू। जो हमारे पहले हम बात करेंगे फ्रूट्स या वेजिटेबल के बारे में, जो विटामिन सी रिच फूड होते हैं हमारे, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड पेपर हो गया, ब्रोकली हो गया, इनमें विटामिन सी, या सिट्रस और फ्रूट हो गए, जो इनमें विटामिन सी है जो है बहुत हाई क्वांटिटी में पाया जाता है, तो इनमें हाइलुरोनिक एसिड भी जो है अच्छी क्वांटिटी में होता है। इनसे हम जो है हमारी बॉडी की रिकवरी कर सकते हैं एसिड की। दूसरा हमारा जो है रूट वेजेज, जड़ वाली जो है सब्जियां होती है उनसे इसको हम ले सकते हैं, सोया प्रोडक्ट हो गए उनसे हम ले सकते हैं। जो हमारी लीफी या डार्क वेजिटेबल होती है, पत्तों वाली या जो है गाढ़े रंग वाली जो है, डार्क मतलब थोड़ी सी, मैं फोटो डाल देता हूं समझ जाओगे, इस कलर की जो है वेजिटेबल होती है। दूसरा हमारा आता है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट जो है उनमें ये दो तरीके से तैयार होता है, जो एक मैंने आपको बताया था पहले वो कि मुर्गे वाला टॉपिक, और एक हमारा होता है जो ये आप देख रहे हैं ये रूस्टर कॉम्ब बोलते हैं, जो ये रेड रेड आप देख रहे हैं मुर्गे के सिर पे, इसमें भी जो है हमारा हाइलुरोनिक एसिड है वो एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट में, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो इससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है ये हाइलुरोनिक एसिड, और फिर इंजेक्शन वगैरह जो है प्रिपेयर किए जाते हैं जो घुटनों वगैरह में लगते हैं, नी पेन वगैरह जो जॉइंट पेन होता है तो उसमें फिर जो है इसके इंजेक्शन लगते हैं। दूसरा हमारा मेथड है सप्लीमेंट्स में जो हाइलुरोनिक एसिड होता है, एक तो जो मैंने बताया ये मुर्गे वाला हो गया, और दूसरा होता है कि ये बायो बैक्टीरिया भी तैयार होता है आजकल लैब में। तो अब हम बात करते हैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में जिसमें जो है नॉर्मली हमें ये हाइलुरोनिक एसिड है जो है देखने को मिलता है। जो हमारी मॉइस्चराइजेशन क्रीम होगी, लोशन हो गए, सीरम हो गए, बहुत सारे इंजेक्शन होते हैं जो मैंने आपको बताया, जो है जॉइंट पेन में, जोड़ों के दर्द में जिनका यूज होता है उन इंजेक्शन में इसका यूज होता है। आई ड्रॉप में इसका 0.2 से 0.4% की कंसेंट्रेशन में जो है इसका यूज होता है, और अदर हमारे कुछ डाइटरी सप्लीमेंट होते हैं उसमें इसका यूज होता है। तो मैं इसको आपकी डोज बता देता हूं कि अगर आपकी आपने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है तो इसकी डोज रहती है 120 to 140 mg डेली फॉर 1 month। तो अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। बेसिकली इसके बहुत कम जो है साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। बेसिकली इंजेक्शंस वगैरह कई बार जो है इसके लगते हैं जोड़ों के दर्द के लिए, घुटनों में या कंधों में या अलग जोड़ों में, तो उसमें कई बार इसके साइड इफेक्ट जो है देखने को मिले हैं। प्रेगनेंसी जो है, प्रेगनेंसी में या जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती है उनके लिए अभी तक इसकी कोई प्रॉपर स्टडीज या रिजल्ट सामने नहीं आए हैं,
तो ये कहीं ना कहीं अनसेफ हो सकता है बिना प्रॉपर डाटा के। तो इसको मदर्स को या ब्रेस्ट फीडिंग मदर या प्रेग्नेंट वुमेन को इसका यूज नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक मेन साइड इफेक्ट बताता हूँ। सबसे पहले इसका साइड इफेक्ट ये है कि अगर आपको कैंसर है, आप कैंसर के पेशेंट हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है आपके कैंसर सेल्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है, कैंसर को बढ़ावा देता है। तो जिन लोगों को भी कैंसर है उन लोगों को इसका यूज नहीं करना चाहिए, बहुत ही हार्मफुल या डेंजरस हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कि आज के वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, बने रहिए अगली वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।